उट इज uh, 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 कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम uh, जैसे करंट में चल रहा है जैसे की अवार्ड जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड अवार सर हम उनको पढ़ते हैं लेकिन नहीं। बाद में जब एग्जाम टाइम पे होता है और हम तो उनको इतना सीरियसली नहीं लेते इम्पोर्टेंट थिंग्स को हम रिवाइज करते हैं हाँ तो सर और पर और कभी कभी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जैसे कि इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे पिछले साल भी न्यूज था इस साल भी न्यूज में था उससे पहले भी था लेकिन इस बार उसका क्वेश्चन पूछा गया

वर्ड्स ऑफ मीनिंग टेक्निक द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य कौन था पांडवों का कौरवों का गुरु था हाँ सर तो मीनिंग में क्या लिखा हुआ था कोचेस फॉर अदर अचीवमेंट सपोर्ट ऐसे करके लिखा हुआ था ना एक ही ऑप्शन में था कोचेस वाला पॉइंट हाँ सर तो वर्ड्स ऑफ मीनिंग से ही तो होगा ये ये दूसरा था खेल रत्न वाला ये तुम्हारा मेजर ध्यानचंद मेजर हाँ ध्यानचंद सबसे ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर है हिंदुस्तान का हाँ सर हाँ सर

जोर दे रहा है ना तो अगर रिटायरमेंट वाला ही कुछ होता तो मे बी कुछ रिटायरमेंट वाले एंगल से नाम होता उसका वरिष्ठ करके या कुछ ऐसे करके होता पैट पैट तो वर्ड्स एंड मीनिंग टेक्निक से हो तो क्या इसमें क्या दिक्कत है और सर इससे पहले जो मैंने सर दो क्लास अटेंड करी है उसमें आपने जो ये हेड वाली टेक्निक बताई थी कौन सी वाली सर ये वाली वर्ड वाले वुड़ा हवाल वाली हाँ वुड़ा हवा रिलेटेड नॉट रिलेटेड और तो पहले जब मैंने अटेंड करा था तब आप क्वेश्चंस ओरली पूछ रहे थे हम्म वो ओरल वो था करंट अफेयर्स का टेस्ट वो करंट अफेयर्स का टेस्ट था वो ईटी की क्लास ही नहीं थी आपने और भी अ सेशन लिए हैं क्या कौन से वाले फ्री वाले हाँ सब कुछ वीडियो okay. सब अवेलेबल है कोर्स का प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है पे playlist पे क्लिक करो कि जितना भी मैंने अभी शुरू किया है आफ्टर ओनली जुलाई में शुरू किया ये फ्री कोर्स पांच क्लासेस ही हुई हैं सारा प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है और सारा चैनल से भी डाला हुआ है अपने सामने सर ये है, है ना? कौन, सा, कौन सा वाला क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जितना भी आ, तो, तो फोर्थ वाला भी है उसमें रत्न वाला भी है 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 अर्जुन वाला भी है. दो ठीक सर ओनली टू वाले के सामने क्या है? सर, वो वाला है अच्छा, है, तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा वो अभी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है एग्जेक्टली exactly. मेरे को तो ये था कि वो शायद अर्जुन के सामने था ये सॉल्व तो तो मैंने ना 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 करे करे थे। वैसे तो देखो करिश्मा जो जो है 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 ये सिर्फ हाँ। उन questions की है जो हमने class में में हैं। Fresh questions के लिए मैं doubts classes में नहीं लेना चाहता because वो फिर वो जाता लूज हो जाता है, हो जाता हाँ। है फिर मैं क्लास में पूछूंगा तो फिर आंसर पहले ही पता होगा हो रुक जाओ अभी ये पूछ ही कर ही लेते हैं। क्या नंबर है इसका क्वेश्चन का तो मेरा ये डी था उसका फोर्टी नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर है ये नाइन्टी फाइव हाँ तो मेजर ध्यानचंद वाला भी तो गलत होगा ना उसमें कह रहा है फोर इयर्स करके दिया हुआ है अर्जुन में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया हुआ है तो अर्जुन वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट तो ध्यान रत्न ये ध्यानचंद का होना चाहिए खेल रत्न यस और नो यस सर तो अर्जुन भी गलत हो गया बिकॉज अर्जुन के सामने ये दिया है

चालीस क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिसने भी पांच बार पीवाई क्यूज पिछले कोर्स में पिछले साल वाला जो मैंने कोर्स कोर्स चलाया था पेड पांच वाले पीवाई क्यूज किया था 2011 से 2020 टू तक वो बच्चा भी 35 से 40 क्वेश्चन तो इस बार कम से कम करने के सक्षम था लायक था अब वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर में आ गया कितना बिकॉज प्रेशर में आने के बाद जो मुश्किल चीज होती है वो तो मुश्किल हो ही जाती है आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो भी मुश्किल हो जाती है okay, बस sir. हाँ अदरवाइज क्वेश्चन तो डुएबल तो थे ही ओके okay, सर बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा तो ओके पीवाई क्यूज को ही बार 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 पीवाई क्यूज को करना दस बार करो बीस बार करो कोचिंग मॉक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है प्रीलिम्स में कोचिंग मॉक्स सिर्फ नॉलेज पे खेलते हैं उसका कोई पॉइंट yes, यस सर नॉलेज सर मेन चीज Think क्या थी सर मैंने मॉक सोल्व करे थे मुझे ऐसा लग रहा था नॉलेज ही है, यही है वो एलिमिनेशन वही लगाते है जिन्हें नॉलेज नहीं होता ऐसा बोला भी गया मुझे सोचा की सर नॉलेज से भी नहीं हो रहा है और जिस, जो भी जिस टाइप के एलिमिनेशन की तुम बात कर रही हो वो वाला एलिमिनेशन ही कामयाब नहीं है वो तो 2021 22 के बाद ही खत्म है वो एलिमिनेशन तो वो जो रूल्स बेस्ड एलिमिनेशन है ना हम लोग जो करते हैं हम कोई रूल्स बेस्ड थोड़ी करते हैं हम तो कॉमन सेंस बेस्ड चल रहे हैं यस सर हम तो जहाँ जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज तो यूज कर ही रहे हैं ना लॉजिक भी है बिना मतलब

2011 से लेके 2023 थ्री तक जितने भी हैं, बार बार उनको करो और, 300 mistakes, है तीनों में गलती हुई तो तीन यूनिक मिस्टेक्स काउंट करो उसको तीन सौ यूनिक मिस्टेक्स करो उनको रिकॉर्ड करो हर मिस्टेक को रिकॉर्ड करो क्यों वो क्वेश्चन भी वहां पे डालो रेफरेंस के लिए किस स्टेटमेंट में गलती हुई क्यों गलती हुई उसका क्या सोल्यूशन है क्या सीखा ये पूरा एक डेटाबेस होना चाहिए तुम्हारे पास और इसको रोज रिवाइज करना है तीन सौ यूनिक मिस्टेक्स जिस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दी पेपर से पहले कमिट कर दी रिकॉर्ड कर दी और उसे सीख गया वो उसका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा मतलब बेसिक मिनिमम प्रीलिम्स इज व्हाट इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स

हमसे बोला जाता है कि नॉलेज सही है और जब हम उसे सॉल्व करते हैं नॉलेज के बेसिस पे तो वहाँ गलती नहीं होती तो हम समझते हमसे गलती नहीं होगी और ये गलती है, हमारी में हो जाती है। आ, और आप तो वहाँ की गलती के चांस खत्म हो जाएंगे यही तो बात है तो, तो वहाँ करना पड़ेगा द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस तो अभी यहाँ पसीना बहाओगे तो वहाँ खून कम बहेगा और यहाँ पसीना नहीं भाया और फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया सिर्फ नॉलेज के दम पे आ गया तुम खुद देखो ना ये जो करियर है इस करियर में नॉलेज का थोड़ी अचार डालना है नॉलेज तो बेसिक मिनिमम है ठीक है तुम्हारा मेन एबिलिटी क्या है अनसर्टेन सिचुएशन से डील कर सकती हो के नहीं प्रेशर में कुल हेडेड रह सकती हो के नहीं ये है ना मेन क्वालिटी एक सिविल सर्विस ऑफिसर की राइट सर डिसीजन मेकिंग टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गलतियों की अपने डिसीजंस की ले सकती हो कि नहीं या सिर्फ फाइलें आगे पीछे करोगे ये है ना क्वालिटी तो yes, यही चीज पे तो एलिमिनेशन बेस्ड है अपना समझ रही हो यस सर इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम जितना मिस्टेक करोगे उतना अच्छा है लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए अगर मिस्टेक रिपीट हो रही है फिर वो मुर्खता है फिर कोई okay. फायदा नहीं उसका तो इसीलिए रिकॉर्ड करो हर मिस्टेक एवरी मिस्टेक इज प्रेशियस बिकॉज़ वो मिस्टेक को करने के लिए तुमने मतलब वहां तक कोशिश करी है वो एक नया मिस्टेक अगर कर रही हो तो हर नई मिस्टेक में तुमने कुछ नया सीखा नई है इसीलिए सीखोगे रिपीट ही कर रही हो तो उसी पानी में हाथ पैर मार रही हो तुमको तो और आगे बढ़ के मिस्टेक करनी चाहिए ना एक बार जो okay. गड्ढे में गिर गई उसमें दोबारा नहीं गिरना है ये कोशिश होनी चाहिए ओके okay, सर यूपीएससी के बाद लिमिटेड गड्ढे हैं बाकी जनता गिरेगी उनमें जो मिस्टेक नहीं कर रहे पहले वो लोग गिरेंगे उन में तुम पहले ही गड्ढे में से गिर के निकल चुकी हो, तो तुम्हें पता है, है और कैसे गड्ढा मिलेगा कहाँ मिल सकता है ये किया था ना हमने पहला क्वेश्चन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी काउंसिल क्वेश्चन के बारे में आज तुम दोबारा सोच के देखो तुम्हारा माइंडसेट अलग होगा सर वही मैं आज देख रही थी तो क्या लगा सर क्या है उससे हम मतलब एक ही क्वेश्चन को हम दो तीन तरह के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम्म तो अभी हेलो यस सर बोलिए हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस क्लास में हमने पांच छह क्वेश्चंस किए थे वो पांच छह क्वेश्चंस दोबारा करने के बाद आज अगर उसी क्वेश्चन को trade and technology council वो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा वो है वर्ड वोड़ है टेक्निक से जब किया था तो तुमको डाउट था उसमें तुम इतना yes, कंफेंस नहीं फील कर रही थी लेकिन अब वो ही चार पांच क्वेश्चन करने के बाद दोबारा अगर आज उस क्वेश्चन को करोगे तो तुमको उसमें सर तो को वो उसको देखने का माइंडसेट ही अलग है हो अलग है, है ना हाँ अलग है ना तुमको फील हो रहा है ना अलग माइंडसेट यस सर

सर मैंने लिखा भी इसमें हाँ गुड गुड सर जो पांच क्वेश्चन आपने दिए थे तो पांचों मैंने उस दिन भी लिखे आज भी लिखे और सारी मैंने मैं किस किस तरीके से सॉल्व तरी कर रही थी हाँ, आपने कैसे बताया वो सारे लिखे तो उससे उस चेंज चेंज आ रहा है ना नजर यस सर यस सर हाँ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होगा करिश्मा यस सर है ना कीप कीप मेकिंग मिस्टेक्स कीप लर्निंग बस यही है एंड कुछ भी चीज कभी भी 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 परफेक्ट परफेक्ट नहीं नहीं होती है, हमारी टेक्निक्स गलती हम भी करेंगे लेकिन ये महसूस और, और गलतियां रिकॉर्ड करके रिवाइज हो रही है तो सेवेंटी परसेंट एक्यूरेसी जितने भी क्वेश्चंस तुम करोगी ईटी से उनमें सेवेंटी परसेंट एक्यूरेसी तक पहुंचा जा सकता है yes, बाकी कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी लेकिन वो क्वेश्चन इतने ज्यादा होंगे जो सही हो गए हैं कि वो दो चार पांच सात क्वेश्चन गलत भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता उनसे और वो right. गलत होने भी चाहिए तो वो वही चीज तुमको इंटरेस्टेड रखेगी ना यूपीएससी कैसे चेंज कर रहा है ट्रेंड यूपीएससी हमेशा चेंज करेगा ट्रेंड कुछ ना कुछ नया लेके आता है वो नया एलिमेंट लाएगा तो हम गलती हो जाएगी हमसे उसमें उस एलिमेंट में, में बिकॉज हमने पहले नहीं देखा है वो ट्रैप राइट तो हम फिर उस उसको उस टाइम पे उस एग्जाम के बाद स्टडी करेंगे रिसर्च करेंगे जो भी है और अगर कुछ सीखने का होगा तो सीखेंगे भी 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 उससे अगले अटेम्प्ट के लिए बस तो यही तरीका है 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 और क्या ओके सर मेन थिंग रटना रटना नहीं है. कुछ भी, कभी भी रटना नहीं कुछ कभी चाहिए चाहिए इट शुड कम फ्रॉम विद इन अंदर से आना चाहिए, अप्रोच क्वेश्चन का देखते ही कि कहा स्ट्रेस है क्या ट्रैप हो सकता है और ये ट्रैप जब तक तुम सारे गड्ढों में नहीं गिर जाओगे ना तब तक तुमको वो ट्रैप्स भी नहीं दिखेंगे इसीलिए पांच बार करना जरूरी है पहले दो तीन बार में तो गड्ढों में ही गिरोगे चौथी पांचवी बार में तुमको फिर वो ट्रैप्स दिखने लगेंगे समझ रहे हो राइट right, सर इसीलिए पांच बार मिनिमम ठीक है यस सर चलो एनीथिंग एल्स नो सर चलो ठीक है करशो फिर यही था आज का डाउट सेशन और uh, मंडे से फिर वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे uh, कुछ नई टेक्निक्स वगैरह अगली टेक्निक देखेंगे डी फैक्ट वगैरह मंडे मंडे को ठीक है सर इट्स फ्री ना ये वाला कोर्स फ्री है। पेड़ एक लोग क्यों क्यों नहीं करते? <laughs> पता नहीं, क्यों नहीं, करते? <laughs> नहीं नहीं करते? करते। पता सोच रहे होंगे क्या बोल रही हो सर वेरी तुमने ज्वाइन किया हाँ तुमने ज्वाइन किया तो तुमको रियलाइज हुआ धीरे धीरे शायद और लोग करेंगे ज्वाइन तो उनको भी रियलाइज हो जाएगा सबका अपना अपना फ्लो सर, होता है टाइम होता है करते लोग <laughs> अभी जो 2023 में पेपर आया वो पेपर ये मैंडेट कर रहा है कि प्रीलिम्स के लिए डेली पढ़ना है चाहे अभी बेशक एक घंटा दो घंटा ही दो प्रीलिम्स के लिए अभी दिसंबर तक एटलीस्ट लेकिन डेली yes, देना बहुत जरूरी है जनवरी के बाद जिसने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की वो टेंशन में आने का बहुत हाई चांस है यस yes, सर ऐसा नहीं रहा के तीन चार महीने में बस दस दस घंटा पढ़ो प्रीलिम्स निकल जाएगा अब वो वैसा नहीं रहा है चलो अच्छा है, तुम्हारा फैसला तो अच्छा है बाकी देखेंगे तुम तो खुशखबरी <laughs> देना अगले साल यस यस सर ठीक है सर चलो ओके फिर मिलते हैं मंडे को बाय बाय